हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मजा आकर पढ़ाई करोगे। आज सीखेंगे मुझसे एक नया फॉर्मूला, मैं सिखाऊंगा आपको मात्र कुछ आसान स्टेप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप फॉर्मूला है आपका सोडियम ब्रोमाइड। पहला स्टेप क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ। पहला स्टेप में क्या है कि सिम्बल आपको आने चाहिए। सोडियम का सिम्बल होता है Na एंड ब्रोमाइड का मीन्स होता है ब्रोमीन। इतना काम आपको करना पड़ता है फर्स्ट स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप की बात मैं करूँ क्या होता है। आपने सुना होगा आयन्स के बारे में, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्लस वन, प्लस का टू, प्लस का थ्री एंड प्लस का फोर एंड माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री एंड माइनस का फोर। प्लस वन क्या होता है, ये होता है मोनोडाई। प्लस का वन क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है। प्लस टू होता है डाइवेलेंट एंड प्लस थ्री होता है ट्राइवेलेंट एंड प्लस फोर होता है टेट्रावेलेंट। उसी प्रकार से इसको भी कहते हैं। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे क्या होगा, आपको आयन्स बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सीख जाएंगे, सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं। देन यहाँ पर सोडियम का होता है प्लस का वन, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। यहाँ पर सोडियम का कितना होता है, प्लस का वन होता है, नीचे लिखूंगा मैं यहाँ पर। देन ब्रोमीन का होता है माइनस का वन, ये प्लस का वन हो गया, ये माइनस का वन हो गया। देन ब्रोमीन की जो वैल्यू लिखूंगा मैं माइनस की वन। बट यहाँ पर क्या होता है, प्लस एंड माइनस को इग्नोर करते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे आप, डिजिट फॉर्म में लिखेंगे। देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सोडियम वन है तो आप यहाँ पर वन लिख लीजिए, देन बी आर में वन कर दीजिए। देन इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, देन इस फॉर्म में नहीं लिखते, क्या करेंगे, एन ए बी आर लिखेंगे। इस तरीके से क्या होता है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। बट जो सबसे की फैक्टर है वो है आयन आपको आने चाहिए, या रेडिकल भी इसे कहते हैं। इस तरीके से क्या होता है, आपने सीखा वन सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में फॉर्मूला बनाना सीखा। तो मैंने सिखाया मात्र तीन स्टेप में किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला सीख सकते हैं। मैं बोलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।